So today we are going to discuss about performance evaluation of boiler. Okay, so we will discuss how the boiler performance can be calculated quantitatively based on various parameters like evaporative capacity of boiler, equivalent evaporation, factor of evaporation, boiler efficiency, economizer efficiency, percentage heat utilized in economizer, percentage heat utilized in superheater, and overall efficiency also. Okay. We are going to discuss these terms in this lecture. So the first thing is evaporative capacity of the boiler, first parameter. So what is evaporative capacity of boiler? The quantity of steam generated by a boiler at full load is called as evaporative capacity of the boiler. मतलब बॉयलर की इवेपोरेट करने की कैपेसिटी, इवेपोरेट मतलब लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने की, यानी कि वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने की जो उसकी कैपेसिटी है बॉयलर की एट फुल लोड इज कॉल्ड एज इवेपोरेटिव कैपेसिटी. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फुल लोड? जैसे हम कुछ बॉयलर्स के एग्जांपल में लिखे थे कि दिस बॉयलर हैज एन एडवांटेज टू एकोमोडेट दी लोड वेरिएशन. मतलब अलग अलग लोड के हिसाब से वो स्टीम के क्वांटिटी को उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं. जब फुल लोड की बात करें, मतलब जब हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की रिक्वायरमेंट मैक्सिमम है, उस टाइम में क्या करना पड़ेगा बॉयलर को? अपने फुल लोड पे वर्क करना पड़ेगा. मतलब मैक्सिमम अमाउंट में स्टीम जनरेट करना पड़ेगा जितना कर सकता है. तो स्टीम की मतलब मैक्सिमम अमाउंट जो वो जनरेट कर सकता है, सॉरी, बॉयलर की मैक्सिमम अमाउंट जो उसमें बॉयलर की मैक्सिमम अमाउंट जो वो कन्वर्ट कर सकता है लिक्विड को स्टीम में, वो अमाउंट को बोलेंगे एवेपोरेटिव कैपेसिटी ऑफ द बॉयलर. ओके, नाउ द परफॉर्मेंस ऑफ बॉयलर, द परफॉर्मेंस ऑफ बॉयलर इज ऑफन मेजर इन टर्म्स ऑफ इवेपोरेटिव कैपेसिटी ऑफ द बॉयलर एंड कैन बी एक्सप्रेस ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, हीटिंग एरिया एंड एरिया ऑफ द फ्यूल बर्न. सॉरी, टाइम, हीटिंग एरिया और फ्यूल बर्न. ओके, तो ये तीन तरीके से हम इवेपोरेटिव कैपेसिटी को इनके बेसिस में डिफाइन कर सकते हैं, या तो ऑन बेसिस ऑफ यूनिट टाइम और बेसिस ऑफ यूनिट एरिया, और ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट यूनिट केजी ऑफ फ्यूल बर्न. ओके, इवेपोरेशन रेट मे बी रिटर्न एज मास ऑफ स्टीम जनरेटेड अपॉन टाइम पीरियड इन आवर, केजी पर आवर हो जाएगी यूनिट, या फिर हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं मास ऑफ स्टीम जनरेटेड पर आवर इंटू हीटिंग एरिया ऑफ द ग्रेट, केजी पर मीटर स्क्वेयर आवर. देन इवेपोरेशन रेट इन केजी ऑफ स्टीम पर केजी ऑफ द फ्यूल, मास ऑफ स्टीम जनरेटेड पर आवर डिवाइडेड बाय मास ऑफ फ्यूल बर्न पर आवर, दैट इज पर आवर कैंसिल जाएगा तो यूनिट क्या बचेगी इसकी? केजी ऑफ स्टीम पर केजी ऑफ द फ्यूल. नॉर्मली हम फर्स्ट और थर्ड वाले जो बेसिस है उसके बेसिस में हम रिप्रेजेंट करते हैं इवेपोरेटिव कैपेसिटी को, सम टाइम ऑन द आवरली बेसिस एंड सम टाइम्स ऑन पर केजी ऑफ फ्यूल बेसिस. ओके, ग्रेट एरिया के टर्म्स में नॉर्मली हम रिप्रेजेंट नहीं करते उसको, ठीक है? तो इवेपोरेटिव कैपेसिटी ऑफ बॉयलर पर केजी ऑफ द फ्यूल अगर निकाल रहे हैं तो केजी ऑफ स्टीम पर केजी ऑफ फ्यूल ऐसी यूनिट आएगी उसकी, और पर आवर निकालना है तो सिंपली केजी पर आवर, एक घंटे में कितना स्टीम जनरेट हो रहा है केजी पर आवर. ओके, तो दिस इज नथिंग बट इवेपोरेटिव कैपेसिटी ऑफ द बॉयलर. लेट्स टॉक अबाउट इक्विवेलेंट इवेपोरेशन, ठीक है? अब जैसे कि कोई एक बॉयलर है जिसमें सर्टेन स्टीम फॉर्म हो रही है बाय फीडिंग इट सर्टेन वाटर एट सर्टेन टेम्परेचर एंड सर्टेन प्रेशर, ठीक है? और वो बॉयलर में हम फ्यूल भी अलग यूज कर रहे हैं, तो ऐसे सब केस में क्या होता है, जो क्वांटिटी ऑफ स्टीम जो जनरेट होती है वो कुछ भी इन पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है कि कोई एक बॉयलर में कितने क्वांटिटी में स्टीम जनरेट होगी, दैट इज फीड वाटर टेम्परेचर, पानी जो बॉयलर के अंदर एंटर हो रहा है वो कितने टेम्परेचर पे एंटर हो रहा है, उसका प्रेशर क्या है बॉयलर का जिस प्रेशर पे वो ऑपरेट हो रहा है, फ्यूल कौन सा यूज हो रहा है, उसके कैलोरीफिक वैल्यू क्या रहेगी, कितने कितने रेट से वो हीट जनरेट कर रहा है ताकि वाटर स्टीम में इफेक्टिवली कन्वर्ट हो सके, क्वालिटी ऑफ स्टीम जनरेटेड, वो स्टीम जनरेट जो हो रही है वो पूरी तरह से सैचुरेटेड है कि नहीं, हम उसको स्टीम में भेजे सकते हैं या नहीं भेज सकते, या फिर और फर्दर उसको प्रोसेसिंग करना पड़ेगा सुपर हीटर में, और फर्दर प्रोसेसिंग करना पड़ेगा तो और ज्यादा टाइम लगेगा उसको जनरेट करने में. इन सब पैरामीटर्स पे क्या डिपेंड करता है? क्वांटिटी ऑफ स्टीम जनरेटेड ऑन बाय द बॉयलर, ठीक है? एंड ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट इक्विवेलेंट इवेपोरेशन की रेट की जैसे बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? तो स्टीम कितने रेट से एक बॉयलर में जनरेट होगा वो इन चार पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है. अब अलग अलग लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अब कोशिश कर रहे हैं फाइंड करने की कि इवेपोरेशन ऑफ रेट ऑफ द बॉयलर कितना है. इन सभी को अलग अलग रिजल्ट्स मिलेंगे अगर वो अलग टेम्परेचर अलग प्रेशर में निकालेंगे तो, ठीक है? तो इन प्रैक्टिकल सिचुएशन डिफरेंट बॉयलर यूज फीड वाटर एट डिफरेंट टेम्परेचर, ऑपरेट एट डिफरेंट प्रेशर एंड जनरेट क्वालिटीज ऑफ स्टीम एंड जनरेट डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ स्टीम. ओके, देयरफॉर देयर
such boilers cannot be compared unless some standard parameters are adopted. ठीक है, जब तक हम उनको same condition में एक standard parameters adopt नहीं कर ले, तब तक हम दो अलग अलग boiler के performance को compare नहीं कर सकते. ठीक है, तब इन दोनों को एक ही reference में लाने के लिए, सभी boiler को एक ही reference में लाने के लिए और एक ही पर्टिकुलर पैरामीटर के हिसाब से इवेल्युएट करने के लिए उसका परफॉर्मेंस, हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट इवेपोरेशन निकालते हैं रेदर देन सिंपली इवेपोरेशन. ओके, तो इक्विवेलेंट इवेपोरेशन के लिए स्टैंडर्ड पैरामीटर्स क्या अडॉप्ट करते हैं हम, जो पानी बॉयलर के अंदर आ रहा है वो कौन सा, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे आना चाहिए और 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर में रहना चाहिए. ठीक है ना, 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर इज नथिंग बट 1.01325 bar. अब 1.01325 bar विच इज इक्वल टू 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर, इस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग सेचुरेशन टेम्परेचर फॉर वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस. इसका क्या मतलब है, पानी अगर 1 एटमोस्फेरिक टेम्परेचर में है, सॉरी पानी अगर 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर में है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस. 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट होने के बाद वो क्या होगा, स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा. ठीक है, और जब फेज चेंज होता है लिक्विड टू वेपर, दैट टेक्स प्लेस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एज वेल एज एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. यहाँ पे हमने कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर दोनों की वैल्यू फिक्स कर दी है कि बॉयलर ऑपरेट कितने होना चाहिए, 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर पे होना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस पर उसमें फीड वाटर एंटर होना चाहिए. ठीक है, और एक और कंडीशन है, जो फीड वाटर 100 डिग्री सेल्सियस तक आ गया 1 प्रेशर में, तो ऑब्वियसली उसका स्टेट क्या रहेगा, सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट रहेगा. ठीक है, और उसको हीट करना है, सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट से हीट कहाँ तक करना है, सैचुरेटेड वेपर स्टेट में, यहाँ तक हीट करना चाहिए उसको. तो जो उसकी एनर्जी लगेगी डेट इज इक्वल टू 2257 kJ ऑफ हीट. ओके, ये कहाँ से मिलता है, एच एफ जी फॉर स्टीम एट प्रेशर इक्वल टू 1.01325 bar, ये यहाँ से वैल्यू मिल जाती है स्टीम टेबल से. ठीक है, तो उसका क्या मतलब है, ये हमने स्टैंडर्ड कंडीशंस हमने डिफाइन की है काय के लिए, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट इवेपोरेशन, कि पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पे लो, 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में कन्वर्ट करो, प्रेशर भी एटमोस्फेरिक प्रेशर रखो. तो इसके ये प्रोसेस करने के लिए कितनी बाय द स्टैंडर्ड स्टीम टेबल वी विल गेट यू, वी विल रिक्वायर द हीट ऑफ 2257 kJ/kg ऑफ स्टीम. ओके, kJ/kg एक इतना हीट सप्लाई करना पड़ेगा हमको वाटर को, अगर उसको 100 डिग्री वाटर को 100 डिग्री स्टीम में कन्वर्ट करना है तो, और सैचुरेटेड लिक्विड टू सैचुरेटेड वेपर कन्वर्ट करना, ना ही सुपर हीटेड करना है ना ही वेट करना है. ठीक है, वैसे इधर भी सैचुरेटेड लिक्विड होना चाहिए, लिक्विड स्टेट के पहले भी नहीं होना चाहिए या फिर वेट स्टेट में भी नहीं होना चाहिए, 100 to 100, मतलब दोनों लाइन सैचुरेटेड लिक्विड टू सैचुरेटेड वेपर. ठीक है, तो इसमें जो एनर्जी लगती है डेट इज 2257 kJ/kg ऑफ हीट. अब इसके हिसाब से इसका ये तो स्टैंडर्ड डिफाइन किया, अभी तक हमने डिफाइन नहीं किया इक्विवेलेंट इवेपोरेशन, एक स्टैंडर्ड डिफाइन हुआ है. नाउ व्हाट इज इक्विवेलेंट इवेपोरेशन, इक्विवेलेंट इवेपोरेशन इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम जनरेटेड फ्रॉम फीड वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस एट नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, मतलब इतना हीट सप्लाई करने पे 2257 kJ/kg ऑफ स्टीम, केजी ऑफ हीट सप्लाई करने में एक बॉयलर में 100 डिग्री वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है उसको हमने 2257 kJ/kg ऑफ स्टीम सप्लाई किए तो कितने रेट से स्टीम जनरेट करेगा, डेट वुड बी द इक्विवेलेंट इवेपोरेशन ऑफ फॉर डेट बॉयलर. इन शॉर्ट इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ स्टीम जनरेटेड फ्रॉम एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस इन शॉर्ट. ओके, तब ये तो हो गया इक्विवेलेंट इवेपोरेशन. ठीक है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन का. अब हम मान लो बॉयलर को ऑपरेट कर रहे हैं एट सम अदर स्टेट अदर देन इक्विवेलेंट स्टेट. ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, उसके लिए दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा इक्विवेलेंट इवेपोरेशन, सबका अलग अलग आएगा बट उसको कॉमन प्लेटफॉर्म में लाने के लिए इक्विवेलेंट इवेपोरेशन निकालना पड़ेगा. तो उसको कैसे निकालेंगे, बेसिकली हमको हीट सप्लाई जो कर रहे हैं ना वो कॉन्स्टेंट रखना पड़ेगा. ठीक है, तो अब अभी हम इक्विवेलेंट इवेपोरेशन के फॉर्मूला निकालने की कोशिश कर रहे हैं इधर कि क्या होगा अगर सम अदर स्टेट में उसको ऑपरेट करेंगे तो बॉयलर को, और इसका क्या रिलेशन है, ये डेटा को हम कहाँ यूज कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो उसके लिए कंसीडर क्या करना है, लेट एम डॉट एस इज इक्वल टू मास ऑफ स्टीम जनरेटेड एट प्रेशर पी एंड टेम्परेचर टी पर आवर इन द बॉयलर. ठीक है, अभी मैंने एटमोस्फेरिक प्रेशर और 100 डिग्री सेल्सियस नहीं लिया हूँ, यहाँ पे एक इन जनरल कंडीशन पे लिया हूँ. लेट एम डॉट एस इज इक्वल टू मास ऑफ स्टीम जनरेटेड बाय द बॉयलर एट प्रेशर पी एंड टेम्परेचर टी पर आवर. ठीक है, नाउ लेट एच इज इक्वल टू एंथाल्पी ऑफ स्टीम पर केजी अंडर जनरल कंडीशन एच. ठीक है, अब जनरल कंडीशन स्टीम, अब बॉयलर में जो स्टीम जनरेट हुई जरूरी नहीं है सैचुरेटेड ही जनरेट हो, वो कोई भी उसकी क्वालिटी हो सकती है, क्वालिटी ऑफ स्टीम वेट सुपर हीटेड या फिर ड्राई सैचुरेटेड, उसके हिसाब से उसकी एंथाल्पी डिसाइड होगी. अब इन जनरल एच हमने इसकी वैल्यू ली है, तो एच की वैल्यू डिपेंड करेगी क्वालिटी ऑफ स्टीम पे. अगर ड्राई सैचुरेटेड है तो एच इज इक्वल टू एच जी, अगर वेट है तो एच इज इक्वल टू एच एफ प्लस एक्स एच एफ जी.
सुपर हीटेड है तो एच इज इक्वल टू एच जी प्लस सी पी टी सो माइनस टी सेट, ये इस फॉर्मूले से हमको पता है, हमने थर्मोडाइनमिक्स में पढ़े हुए हैं सब, कि वेट स्टीम, सुपर हीटेड स्टीम और सैचुरेटेड ड्राई सैचुरेटेड स्टीम का कैसे निकालना है एंथाल्पी, ठीक है। नाउ व्हाट इज एच एफ वन, आई हैव कंसीडर है स्पेसिफिक एंथाल्पी ऑफ ए वाटर एट ए गिवन फीड टेम्परेचर, ठीक है। मतलब जो पानी, जो फीड टेम्परेचर, मतलब बॉयलर के अंदर जो पानी जा रहा है वो तो सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट में ही रहेगा, या तो सैचुरेटेड लिक्विड में रहेगा या तो लिक्विड स्टेट में रहेगा, हो सकता है उसका टेम्परेचर सैचुरेशन टेम्परेचर से कम रहे, बट ये चीज तो कंफर्म है कि वेपर पहले से नहीं रहेगा, स्टीम बाहर से जो सप्लाई कर रहे हैं बॉयलर के अंदर, जो बॉयलर में ही, बॉयलर का काम है ना वेपर में कन्वर्ट करना, पहले तो हम इसको लिक्विड ही सप्लाई करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि लिक्विड या तो सैचुरेटेड टेम्परेचर में सप्लाई करें या उससे कम टेम्परेचर में सप्लाई करें, पर जो भी टेम्परेचर पर सप्लाई करेंगे तो उसमें स्टेट क्या रहेगा, उसका लिक्विड ही रहेगा, वाटर रहने वाला। तो लेट द एच एफ वन इज इक्वल टू स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ ए वाटर एट ए गिवन फीड टेम्परेचर, एट ए गिवन फीड टेम्परेचर, ओके। नाउ एम डॉट एफ इज इक्वल टू मास ऑफ फ्यूल बर्न पर आवर, ठीक है। मतलब डॉट एफ, डॉट एस आया जहां पे, तो मतलब पर यूनिट टाइम की हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एम डॉट एफ इज इक्वल टू मास ऑफ फ्यूल बर्न पर आवर, व्हाट इज एम ई, इक्विवेलेंट मास ऑफ ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम जनरेटेड फ्रॉम एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मतलब एक्चुअली वो एम डॉट एस हम सप्लाई वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, एम डॉट एस जनरेट कर रहे हैं मास, ठीक है। और अभी हमने इक्विवेलेंट मास पर, इक्विवेलेंट मास हमने निकालना है क्योंकि कितना 100, अगर यही बॉयलर को हम पी और टी प्रेशर, पी प्रेशर और टी टेम्परेचर में ना ऑपरेट करते हुए अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में एट वन एटमोस्फेरिक प्रेशर और 100 डिग्री सेल्सियस पे ऑपरेट करें हम, तो कितना इक्विवेलेंट इवेपोरेशन रहेगा वो हम निकालने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या साइन कन्वेंशनली, एम इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम जनरेटेड फ्रॉम एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस। नाउ इवेपोरेशन रेट पर केजी ऑफ फ्यूल इज गिवन बाय, इवेपोरेशन रेट पर केजी ऑफ फ्यूल, ठीक है। हमने देखे थे यहाँ पे सबसे पहले कि इवेपोरेशन को तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, पर सबसे पहली स्लाइड में एक रहता है कैपेसिटी इवेपोरेशन रेट पर यूनिट टाइम, फिर देन पर यूनिट एरिया एंड देन पर यूनिट फ्यूल बर्न। तो ये वाला थर्ड वाला केस में यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ, इवेपोरेशन रेट इन केजी ऑफ स्टीम पर केजी ऑफ द फ्यूल, ठीक है। यहाँ पर ये वाला केस कंसीडर किया, तो एम ए, लेट इट इज एम ए, सो मास ऑफ स्टीम जनरेटेड पर आवर अपॉन मास ऑफ फ्यूल बर्न पर आवर इज इक्वल टू एम डॉट एस अपॉन एम डॉट एफ, इस यूनिट क्या हो जाएगी, केजी ऑफ स्टीम पर केजी ऑफ द फ्यूल। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मैंने डॉट क्यों नहीं लिखा, एम डॉट ए इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे पर आवर जो यूनिट है वो कैंसिल हो जा रही है, और हम डॉट जब ही लिखते हैं जब पर यूनिट टाइम कोई क्वांटिटी को हमको डिफाइन करना हो, ठीक है। यहाँ पे पर यूनिट टाइम तो ऊपर और नीचे दोनों ड्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जा रहा है, इस वजह से मैंने एम ए लिखा यहाँ पर, ठीक है। ये एम ए हमको एक्चुअली निकालना है इक्विवेलेंट, मतलब ये तो एम ए जो है वो एक्चुअल कंडीशन में है, ये रेशो एट प्रेशर पी एन टी, तो यही एम ए की वैल्यू एट द स्टैंडर्ड कंडीशन कितना रहेगा, तो वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे एम ए की जगह हमने क्या लिए, एम ई लिए यहाँ पे, ठीक है। नाउ दिस एम ए इज द इवेपोरेशन रेट पर के जी ऑफ द फ्यूल, ठीक है ना। टोटल हीट सप्लाई टू द वॉटर इन द बॉयलर इज इक्वल टू दिस एम ए इंटू एच माइनस एच एफ वन। नाउ हाउ, व्हाट इज एच माइनस एच एफ वन, एच माइनस एच एफ वन क्या बता रहा है एक्चुअली, कि कितनी हीट हमको सप्लाई करना पड़ रहा है, किसको, वाटर को। वाटर एंटर कैसे कर रहा है बॉयलर में एट एंथाल्पी एच एफ वन, और फाइनली कन्वर्ट काय में हो रहा है स्टीम में, तो उसकी एंथाल्पी कितना है एच, तो एंथाल्पी डिफरेंस कितना होगा एच माइनस एच एफ वन। तो दिस इज द हीट सप्लाइड पर यूनिट क्वांटिटी ऑफ वाटर, ठीक है। उसको मैं एम ए से मल्टीप्लाई कर दिया, एम डॉट एस इंटू एम डॉट एफ, ठीक है। तो एम डॉट एस से मल्टीप्लाई करने पर टोटल हीट सप्लाई टू द स्टीम मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि मास ऑफ स्टीम इंटू एंथाल्पी हो गया, और उसको डिवाइडेड बाय एम डॉट एफ से कर दूंगा, तो टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट सप्लाई टू द वाटर पर यूनिट क्वांटिटी ऑफ द फ्यूल बर्न, पर यूनिट क्वांटिटी ऑफ द फ्यूल बर्न ये वैल्यू मिलेगी। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, किलो जूल पर के जी ऑफ फ्यूल। कैसे आया, समझ में आया ना ये चीज, इसकी यूनिट क्या है, केजी ऑफ स्टीम पर केजी ऑफ फ्यूल, क्या है कि एमए की यूनिट। एंथाल्पी डिफरेंस की यूनिट क्या आएगी, किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी किसका, केजी स्टीम का, क्योंकि हम स्टीम की एंथाल्पी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यूनिट देखो कैसी हो रही, केजी ऑफ स्टीम पर केजी ऑफ फ्यूल इंटू एंथाल्पी ऑफ स्टीम, यानी किलो जूल पर केजी ऑफ स्टीम, तो केजी ऑफ स्टीम, केजी ऑफ स्टीम कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फाइनल क्या बचेगा, किलो जूल पर केजी ऑफ द फ्यूल। दिस इज द टोटल हीट सप्लाई टू द वॉटर इन द बॉयलर पर केजी ऑफ द फ्यूल, दैट इज एम ए इंटू एच माइनस एच एफ वन एट विच कंडीशन, एट जनरल कंडीशन ऑफ प्रेशर पी एंड टेम्परेचर टी, ठीक है। अब लेट्स टॉक अबाउट द स्टैंडर्ड कंडीशन नाउ फॉर कैलकुलेटिंग इक्विवेलेंट इवेपोरेशन एम ई। कैसे हम इक्विवेलेंट निकालने के लिए करेंगे, कि हीट सप्लाई को हमको बैलेंस करना पड़ेगा, हीट गेन पर केजी ऑफ द फ्यूल एट स्टैंडर्ड कंडीशन शुड बी इक्वल टू हीट गेन पर
kg of the fuel at actual condition. ठीक है, नाउ इन स्टैंडर्ड कंडीशन व्हाट इज द हीट गेन बाय द हीट गेन बाय द वाटर पर केजी ऑफ द फ्यूल. तो इट इज नथिंग बट एम ई इंटू एच एफ जी. ठीक है, बिकॉज एम ई इज इक्विवेलेंट इवेपोरेशन एट स्टैंडर्ड कंडीशन एंड एच एफ जी इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द वाटर इंटू स्टीम एट द स्टैंडर्ड कंडीशन. ठीक है, एच एफ जी, क्योंकि हमने यहाँ पर सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट लिए थे और सैचुरेटेड वेपर लिए थे, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ एच एफ जी अमाउंट हमको लगेगा पूरी तरह से उसको कन्वर्ट करने में. ठीक है, तो एम ई इंटू एच एफ जी दिस इज इक्वल टू एम ए इंटू एच माइनस एच एफ वन. ओके, नाउ रीअरेंजिंग द टर्म्स व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट एम ई इज इक्वल टू एम ए इंटू एच माइनस एच एफ वन डिवाइडेड बाई एच एफ जी. एच एफ जी को मैं राइट हैंड साइड में ला लिया. एंड इफ यू चेक द स्टीम टेबल एच एफ जी एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एच एफ जी एट 100 डिग्री सेल्सियस और एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन यू विल गेट द वैल्यू एस 2257 किलो जूल पर के जी. सो putting the value of HFG, what we will get? We will get ME is equal to MA into H minus HF1 upon 2257. और unit क्या आ जाएगी equivalent evaporation की? kg of steam per kg of the fuel. So this is the formula for equivalent evaporation. ठीक है, इसमें एक चीज बहुत ध्यान से याद रखना, गलती नहीं करना, कि इस equation में जो enthalpy है वो enthalpy की unit क्या रहेगी? किलो जूल पर kg है, क्योंकि और ये टू तभी ये इक्वेशन वैलिड रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो किलो जूल पर केजी में, नॉट जूल. और स्टीम टेबल जितने भी हमारे पास है सब में किलो जूल पर केजी में ही दिए रहती है यूनिट, तो उसको अननेसेसरी जूल पर केजी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. हम सब जगह कैलकुलेशन किलो जूल पर केजी में ही करेंगे. ठीक है, तो ये दोनों यूनिट बैलेंस होना चाहिए, ऊपर किलो जूल पर केजी ही लेना है नीचे, क्योंकि 2257 किलो जूल पर केजी में. और एमए की जो भी यूनिट लेंगे हम, केजी पर सेकंड, केजी पर मिनट या केजी पर आवर, उसके हिसाब से एमई की यूनिट मिलेगी हमको. नॉर्मली हम स्टीम के सॉरी बॉयलर के केस में केजी पर आवर में ही कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, केजी पर आवर. तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला हमको मिल जाएगा, काय का? इक्विवेलेंट इवेपोरेशन का. ये आपका न्यूमेरिकल में यूज होता है ये फॉर्मूला. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन. तो इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ हीट रिसीव्ड बाय 1 केजी ऑफ फीड वाटर फॉर इवेपोरेशन अंडर एक्चुअल कंडीशन टू द हीट रिसीव्ड बाय द 1 केजी ऑफ वाटर इवेपोरेटेड फ्रॉम एट 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, अब यहाँ पर हमने 1 केजी ऑफ वाटर एट अंडर एक्चुअल कंडीशन, तो एक्चुअल कंडीशन यहाँ पर कंसिडर किए थे, तो हमने निकाले थे 1 केजी ऑफ वाटर को हीट करने के लिए कितनी एनर्जी लग रही है, एच माइनस एच एफ वन. बाद में मास से मल्टीप्लाई किया था, अगर वो मास हो 1 केजी है तो एच माइनस एच एफ वन सिंपली आ जाएगा. ठीक है, 1 केजी ऑफ फीड वाटर फॉर इवेपोरेशन अंडर एक्चुअल कंडीशन और 1 केजी ऑफ वाटर इवेपोरेशन एट 100 डिग्री सेल्सियस, उसको कितनी एनर्जी लगती है, 2257. तो इन दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन. अब ऊपर वाले फॉर्मूले से अगर उसको कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यू एच माइनस एच एफ वन अपॉन 2257 वुड बी इक्वल टू एम ई बाई एम ए. ठीक है, मतलब फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन इज नथिंग बट इक्विवेलेंट इवेपोरेशन एट 100 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय इवेपोरेशन पर केजी ऑफ द फ्यूल. ठीक है, एट स्टैंडर्ड कंडीशन और सॉरी एट एक्चुअल कंडीशन. ठीक है, so this is the formula for factor of evaporation h minus hf1 upon 2257. Next parameter we have is boiler efficiency. So the boiler efficiency is defined as actual ratio of actual heat utilized in the producing steam to the amount of heat liberated by burning of the fuel. theek hai, koi bhi ek machine hai uska hum efficiency define karna hai to kaise define karte hai, output upon input. बॉयलर है, उसका काम क्या है, स्टीम को जनरेट करना, तो आउटपुट क्या है, स्टीम को जनरेट करके हम करना चाहिए हमको. ठीक है, और इनपुट क्या रहेगा यहाँ पे, फ्यूल, फ्यूल बर्न कर रहे हैं और उससे स्टीम जनरेट हो रहा है. ठीक है, अब फ्यूल जो बर्न कर रहा है उससे एनर्जी किस फॉर्म में मिल गई हमको, किस फॉर्म में देना पड़ रहा है, हीट के फॉर्म में. इसकी केमिकल एनर्जी ऑफ द फ्यूल इज गेटिंग कन्वर्टेड इंटू थर्मल एनर्जी. ठीक है, और वो या फिर हीट में अभी बोल सकते हैं हीट, तो हीट लिबरेट हो रही है फ्यूल को बर्न करने से, तो वो हीट कितने परसेंट यूटिलाइज हो रही है, तो जितने परसेंट हीट यूटिलाइज होगी उतनी उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी बॉयलर की. तो सम टाइम दिस टर्म इज आल्सो कॉल्ड एज थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर, बिकॉज यहाँ पे आउटपुट और इनपुट दोनों हीट के फॉर्म में हम लेते हैं इस फॉर्मूला में. तो आउटपुट क्या आएगा, हीट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द स्टीम फ्रॉम फीड वाटर, दिस इज अवर आउटपुट डिवाइडेड बाय हीट लिबरेटेड बाय बर्निंग ऑफ द फ्यूल. ठीक है, या फिर रिक्वायर्ड की जगह उसको चाहे तो हम हीट गेन भी बोल सकते हैं, यहाँ पर हीट गेन वुड बी मोर प्रॉपर वर्ड. हीट गेन टू प्रोड्यूस द स्टीम फ्रॉम द फीड वाटर एंड हीट लिबरेटेड बाय बर्निंग ऑफ द फ्यूल. तो फ्यूल बर्न करने पे कितनी हीट रिलीज हुई और उसमें से कितना हीट एक्चुअली यूटिलाइज हुआ वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, उनका रेशियो को हम बोलेंगे एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर. ओके, व्हाट इज द हीट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द स्टीम फ्रॉम हीट वाटर फ्रॉम फीड वाटर, इट इज नथिंग बट एम डॉट एस इंटू एच माइनस एच एफ वन. ठीक है, ये हमने अभी अभी निकाले एट द स्टैंडर्ड कंडीशन
स्टीम क्यों कितना हीट लग रहा है, एम डॉट एस इंटू एच माइनस एच एफ वन। अभी मैंने पर केजी ऑफ द फ्यूल यहाँ पे नहीं लिया, खाली मैंने निकाला हूँ ऊपर का न्यूमिरेटर देखो, किलो जूल पर केजी ऑफ स्टीम, और एम डॉट एस क्या बता रहे, केजी ऑफ स्टीम पर आवर, तो ऊपर की यूनिट क्या हो जाएगी, किलो जूल पर आवर, मतलब एक घंटे में स्टीम को या वाटर को हमने कितनी हीट सप्लाई की एक घंटे में, वो न्यूमिरेटर डिफाइन कर रहा है। और डिनोमिनेटर में क्या है, एम एफ इंटू सी वी। नाउ व्हाट इज सी वी, सी वी इज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल, यूनिट क्या होती है इसकी, किलो जूल पर केजी। कैलोरीफिक वैल्यू किसको बोलते हैं, हम वन केजी फ्यूल बर्न करने पे कितनी एनर्जी उसमें से मिलती है, दैट इज कॉल्ड एज कैलोरीफिक वैल्यू। अगर एम एफ मास ऑफ फ्यूल हमने बर्न किया था, तो एम एफ इंटू सी वी वुड बी इट्स द टोटल अमाउंट ऑफ हीट विच इज लिबरेटेड, बट हम एम एफ पर यूनिट टाइम ले रहे हैं, तो एम डॉट एफ पर यूनिट आवर ले रहे हैं, तो एम डॉट एफ इंटू सी वी, ठीक है। तो डिनोमिनेटर वाला टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, केजी पर आवर इंटू किलो जूल पर केजी, मतलब किलो जूल पर आवर, मतलब फ्यूल को सर्टेन रेट से बर्न करने पे एक घंटे में कितनी हीट बाहर दे रहा है फ्यूल, और ऊपर क्या है, एक घंटे में स्टीम कितनी हीट ले रहा है, यूटिलाइज कर रहा है वाटर, ठीक है, पानी कितनी हीट यूटिलाइज कर रहा है स्टीम में कन्वर्ट होने के, इन दोनों का रेशियो हो गया बॉयलर एफिशिएंसी। सो हियर एम डॉट एस इज इक्वल टू मास ऑफ स्टीम जनरेटेड पर आवर, एम डॉट एफ मास ऑफ फ्यूल बर्न पर आवर, एच इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ स्टीम, ठीक है। बैच की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, स्टीम कौन सी जनरेट हो रही है उस पर डिपेंड करेगा, सैचुरेटेड है, वेट है, या सुपर सुपर हीटेड स्टीम है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा तीनों चीज। एच एफ वन इज द एंथैल्पी ऑफ फीड वाटर एट फीड टेम्परेचर, सी वी इज इक्वल टू कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल, ओके। अब यहाँ पर एम डॉट एस डिवाइडेड बाई एम डॉट एफ, ये रेशियो को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन रेट पर केजी ऑफ द फ्यूल, जिसको हम एम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बट इवेपोरेशन रेट पर केजी ऑफ फ्यूल एम ए इज इक्वल टू एम डॉट एस डिवाइडेड बाई एम डॉट एफ, दैट इज मास ऑफ स्टीम जनरेटेड पर आवर अपन मास ऑफ फ्यूल बर्न पर आवर। सो आई कैन रिप्लेस एम ए इन प्लेस ऑफ एम डॉट एस डिवाइडेड बाई एम डॉट एफ, देन वॉट आई विल गेट, आई विल गेट एफिशियंसी ऑफ द बॉयलर इज इक्वल टू एम ए इंटू एच माइनस एच एफ वन अपॉन सी वी, ठीक है। अब ऊपर और नीचे वाले फॉर्मूले में क्या फर्क है, इक्विवेलेंट इवेपोरेशन का जो फॉर्मूला है ना सेम है, देखो एम ए इंटू एच माइनस एच एफ वन अपॉन 2257, इसकी जगह सिर्फ क्या आ रहा है यहाँ पे 2257 की जगह फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू आ रही है यहाँ पे, बाकी फॉर्मूला दोनों का सेम है, ऊपर का न्यूमरेटर, ठीक है। दिस इज द बॉयलर एफिशियंसी। नेक्स्ट थिंग वी हैव इज इकोनोमाइजर एफिशियंसी, ओके। नाउ इकोनोमाइजर का काम क्या है, कहाँ लगाते हैं हम इसको, बॉयलर फीड पंप के बाद और बॉयलर में जाने से पहले। तो पानी जो कंडेंसर से बाहर आता है, पूरा जो साइकिल रहती है, कंडेंसर से लिक्विड स्टेट में पानी आता है, वो पंप से हम सक करते हैं, और बॉयलर में भेजने से पहले हम इकोनोमाइजर में भेजते हैं उसको। इकोनोमाइजर क्या है, काइंड ऑफ हीट एक्सचेंजर है, जो कि वेस्ट फ्लू गैसेस की, जो कि चिमनी से बाहर जाने वाली थी एट हाई टेम्परेचर, उसके हीट को यूटिलाइज करके फीड वाटर के टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा देता है। तो फीड वाटर के टेम्परेचर बढ़कर हमको कहाँ मिलता है, जाता है बॉयलर में। इससे क्या होता है, हमारा फ्यूल जो है सेफ होता है, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा सी हीट हमने यूटिलाइज कर दी जो कि वेस्ट जाने वाली थी। तो अगर हमने वो थोड़ी सी हीट यूटिलाइज कर ले, पानी को पहले ही बॉयलर के अंदर जाने से पहले ही थोड़ा सा अगर हम गर्म कर ले, तो हमारा जो फ्यूल बॉयलर के अंदर बर्न करने के लिए, हीट जनरेट करने के लिए जो लग रहा था, वो थोड़ा सा सेव हो सकता है हमारा, ठीक है। तो वो काम है इकोनोमाइजर का। इकोनोमाइजर का काम क्या है, बेसिकली हीट लेना कहाँ से, फ्लू गैसेस से। तो इकोनोमाइजर की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कि इकोनोमाइजर में जो पानी जा रहा है वो कितनी हीट एक्चुअली ले रहा है, डिवाइडेड बाय फ्लू गैस कितनी हीट दे रही है उसको, ठीक है। अब ऑब्वियसली देयर वुड बी सम लॉसेस व्हाइल ट्रांसफरिंग द हीट, पूरे का पूरा हीट एज इट इज 100% तो जाएगा नहीं, थोड़ा सा उसको लॉस होगा, तो वो लॉस के हिसाब से फिर इसकी एफिशिएंसी डिफाइन होगी। तो मतलब आउटपुट अलग रहेगा, इनपुट अलग रहेगा। तो इकोनोमाइजर एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द फीड वाटर इन द इकोनोमाइजर टू द हीट अवेलेबल इन द फ्लू गैसेस, ठीक है। हीट यूटिलाइज इन द इकोनोमाइजर डिवाइड बाई हीट अवेलेबल इन द फ्लू गैसेज, कितनी हीट फ्लू गैसेज में अवेलेबल थी और कितनी इकोनोमाइजर ने एक्सेप्ट किया, ठीक है। बट नॉर्मली हीट अवेलेबल इन फ्लू गैसेज वो थोड़ा निकालना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम फ्लू गैसेज बहुत सारी जगह हमको इवेपोरेटर में हीट अपनी देते हैं, एयर प्री हीटर में देते हैं, इकोनोमाइजर में देते हैं, तो उनका टेम्परेचर कितना रहेगा वो जज करना थोड़ा मुश्किल रहता है। इतना सब प्रोसेस होने के बाद हमने बॉयलर्स अलग अलग देखे, उसमें काफी सारे हीट एक्सचेंजिंग डिवाइस रहते हैं जहाँ पे फ्लू गैस की हीट को यूटिलाइज करते हैं, एयर प्री हीटर, सुपर हीटर, देन इकोनोमाइजर एक्सेट्रा। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू डिफाइन सम टर्म्स इन टर्म्स ऑफ हीट लिबरेटेड बाय कंबशन ऑफ फ्यूल, मतलब फ्यूल से कितनी हीट लिबरेट हो रही है उसके टर्म्स में हमें उसको टर्म्स को रिप्रेजेंट करें तो ज्यादा बेटर रहता है, इंस्टेड ऑफ हीट अवेलेबल इन द फ्लू गैसेस, ठीक है। तो
हम क्या करते हैं, इकोनोमाइजर एफिशिएंसी ना निकालते हुए जनरली क्या निकालते हैं, परसेंटेज हीट यूटिलाइज इन द इकोनोमाइजर। मतलब जितना फ्यूल बर्न करने पर जितनी भी हीट निकली फ्यूल बर्न करने पर, उसमें से कितना परसेंट हीट इकोनोमाइजर में यूटिलाइज हो रही है, दैट दैट इज द परसेंटेज हीट यूटिलाइज इन द इकोनोमाइजर। ठीक है, बट वो उसकी एफिशिएंसी नहीं होगी इकोनोमाइजर की, क्योंकि जितनी फ्यूल बर्न हो रही है जितनी हीट निकल रही है, हम सारी के सारी इकोनोमाइजर में इनपुट नहीं दे रहे हैं हम उसको। ठीक है, तो वो बॉयलर को इनपुट दे रहा है, तो बॉयलर एफिशिएंसी में वो चीज आती है इस वजह से। ठीक है, ये सिर्फ एक रेशियो आ रहा है परसेंटेज हीट यूटिलाइज, दिस इज नॉट द एफिशिएंसी ऑफ द इकोनोमाइजर। ओके, रिमेंबर डेट। सो परसेंटेज हीट यूटिलाइज इन द इकोनोमाइजर इज इक्वल टू हीट यूटिलाइज इन द इकोनोमाइजर डिवाइडेड बाय हीट लिबरेटेड बाय कंबशन ऑफ फ्यूल। अब यहाँ पर कितनी हीट यूटिलाइज हो रही है इकोनोमाइजर में, तो एम सी पी डेल्टा टी पर यूनिट टाइम निकाला है, तो एम डॉट सी पी इंटू डेल्टा टी। नाउ सी पी इंटू डेल्टा टी इज नथिंग बट डेल्टा एच, बिकॉज एंथैल्पी इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट इनटू टेम्परेचर, एच इज इक्वल टू सी पी इंटू टी, सो एम डॉट एस इंटू डेल्टा एच फॉर द फीड वाटर। ठीक है, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एम डॉट एस इंटू सी पी इंटू डेल्टा टी फॉर फीड वाटर, ऐसा भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बिकॉज एंथैल्पी डेल्टा एच इज नथिंग बट सी पी इंटू डेल्टा टी, वैसा भी लिख सकते हैं। तो अगर हमको टेम्परेचर इकोनोमाइजर का दिया हुआ है, पानी कितने टेम्परेचर से एंटर हो रहा है, कितने टेम्परेचर से बाहर निकल रहा है, तो वहां से डेल्टा टी मिल जाएगा, पानी का सी पी पता है हमको और उसका फ्लो रेट पता रहेगा, तो उससे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जिस रेट से स्टीम जनरेट होगा उसी रेट से हमको पानी भी फ्लो करवाना पड़ेगा, कॉन्स्टेंट रेट थ्रू आउट द साइकिल उसको मेंटेन करने के लिए फॉर द कंटिन्यूस ऑपरेशन। ठीक है, तो जिस रेट से स्टीम जनरेट होगा उसी रेट से पानी भी हमको कंटिन्यूस सप्लाई करना पड़ेगा, तो वही रेट से पानी इकोनोमाइजर में जाएगा, वही रेट से सुपर हीटर में जाएगा, तो एम डॉट एस वुड बी सेम इन एवरी केस। ठीक है, नाउ डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, हीट लिबरेटेड बाय कंबशन ऑफ द फ्यूल, तो ये तो हमने पता चुके हैं कैसे आता है, एम डॉट एफ इंटू सी वी। अगेन एम डॉट एस डिवाइडेड बाई एम डॉट एफ कैन बी रिप्लेस बाय एम ए विच इज इक्विवेलेंट इवेपोरेशन, सर इवेपोरेशन पर के जी ऑफ द फ्यूल। ओके, तो परसेंटेज हीट यूटिलाइज इन द इकोनोमाइजर वुड बी एम ए इंटू डेल्टा एच फॉर द फीड वाटर डिवाइडेड बाय सी वी। ओके, सिमिलरली वी कैन फाइंड परसेंटेज हीट यूटिलाइज इन द सुपर हीटर। ठीक है, तो उसमें भी वही फॉर्मूला आएगा, एम ए इंटू डेल्टा एच, सॉरी एम डॉट एस इंटू डेल्टा एच। अब डेल्टा एच यहाँ पर क्या था, फीड वाटर, तो वहाँ पर सिर्फ फीड वाटर ही था, यहाँ पर सुपर हीटर में क्या रहेगा, दोनों तरफ स्टीम रहेगा, एक सुपर हीटेड स्टीम माइनस एंथैल्पी ऑफ स्टीम। अब स्टीम बॉयलर में जो भी क्या बोलते हैं, जो भी क्वालिटी की रहे, चाहे वेट रहे, चाहे सैचुरेटेड रहे या फिर सुपर हीटेड रहे, उसके हिसाब से उसकी एंथैल्पी एच कैलकुलेट करेंगे, और जब सुपर हीटर से पास होने के बाद वो सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो चुकी रहेगी, तो सुपर हीटेड एंथैल्पी ऑफ द स्टीम, एम डॉट एस इंटू डेल्टा एच में एच सुपर हीटेड माइनस एच। ठीक है, अब वो एच कैसे निकालना है, अगर वेट स्टेट में रहती है नॉर्मली तभी हम सुपर हीटर यूज करते हैं, तो इसका फिर फॉर्मूला है एच इज इक्वल टू एच एफ प्लस एक्स एच एफ जी, ये फॉर्मूले से हम निकाल सकते, सॉरी ये फॉर्मूले से हम इसको निकाल सकते हैं। अगर एक्स की वैल्यू वन है, सैचुरेटेड वेपर है, तो एक्स की वैल्यू वन हो जाएगी, तो एच इज इक्वल टू एच एफ प्लस एच एफ जी, और अगर सुपर हीटेड है तो सुपर हीटर की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हमेशा यही फॉर्मूला पहला वाला यूज होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं इसमें एच निकालने के लिए, इस केस में जब हम सुपर हीटर यूज कर रहे हैं, क्योंकि वेट स्टीम जनरेट होगी तभी सुपर हीटेड करेंगे ना यूज। हाँ, वो अलग, कभी कभार हो सकता है कि सुपर हीटेड स्टीम ही जनरेट हुई और फिर फर्दर उसको और हीट कर रहा है, पर वैसा वैसा नॉर्मली होता नहीं है। सुपर हीटेड स्टीम खाली वंस थ्रू बॉयलर में यूज होती है, जो कि कौन सा है, अपना बेंसन बॉयलर, और उसमें फिर बॉयलर के अंदर ही सुपर हीटर ऑलरेडी रहता है। ठीक है, ये जो भी है सुपर हीटेड स्टीम और माइनस एंथैल्पी ऑफ द स्टीम बिफोर सुपर हीटर और एट द एंट्री टू द सुपर हीटर। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, और एच सुपर हीटेड कैसे निकालते हैं, एच जी प्लस सी पी इंटू टी सुप माइनस टी सेट, वेयर टी सेट इज द सेचुरेशन टेम्परेचर ऑफ द स्टीम करेस्पॉन्डिंग टू द ऑपरेटिंग प्रेशर ऑफ द बॉयलर। ठीक ठीक है, ये हम स्टीम टेबल से निकालते हैं। तो एच सूप इज एंथैल्पी ऑफ स्टीम लीविंग द सुपर हीटर एंड एच इज द एंथैल्पी ऑफ स्टीम एंटरिंग द सुपर हीटर, और आई कैन से एंथैल्पी ऑफ स्टीम लीविंग द बॉयलर, क्योंकि बॉयलर से निकलने के बाद ही स्टीम सुपर हीटर में जाएगी ना, एंथैल्पी ऑफ स्टीम लीविंग द बॉयलर और एंथैल्पी ऑफ स्टीम एंटरिंग द सुपर हीटर। ठीक है, then overall efficiency of the boiler is equal to heat utilized in the total heat utilized in the boiler plant divided by heat liberated by burning of the fuel. अब heat utilized in the boiler plant कैसे निकालेंगे? Heat utilized in the economizer plus heat utilized in the boiler plus heat utilized in the super heater divided by heat liberated by burning of the fuel would give us the overall efficiency of the boiler. तो हमें heat utilized अगर boiler economizer में करें, super heater में करें, तो overall efficiency of the boiler हमारी बढ़ जाती है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर भी अगर हम ये हीट यूटिलाइज ना करें तो वेस्ट फ्लू गैस ऐसे ही एटमोसफेयर में चिमनी के थ्रू बाहर चल जाएगी और उसकी हीट को हम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे और ओवरऑल एफिशिएंसी बॉयलर की कम हो जाएगी। तो उसी को बढ़ाने के लिए हम इकोनोमाइजर और सुपर हीटर को यूज करते हैं। ठीक है, सो
This is all about today's lecture. In the next lecture, we will solve some problems on the performance evaluation of the boiler, and you will require steam table. I have already shared a soft copy of steam table with all of you. You need to keep it with you in the next lecture. Okay. If you have any doubt right now, you can ask.